आज दसवलों में पढ़ना भाग, तो पहले तो सिंपल वाला भाग पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसी आधार पर हम दसवलों का भाग पढ़ते हैं। भाग पढ़ते समय कुछ बातों को जानना जरूरी है और जान भी लेते हैं, क्योंकि सीटेट में जो प्रश्न आते हैं वो एकदम सीधे एकदम सरल पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसा घुमा देता है, लगता है कहाँ से आया हुआ है, इसलिए हम लोग घुमाते टहलाते हुए पढ़ते हुए चलेंगे। तो जब पहले सिंपल भाग पढ़ते उसके चार स्टेज मिलते हैं। चार स्टेज क्या क्या मिलते हैं, जैसे जिससे हम भाग देते हैं, डिवाइड करते, उसे क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। इसे डिवाइड करते उसे क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। और फिर जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। कभी कभी कंडीशन में क्या प्राप्त होता है यहाँ पे, चाहे वो कुछ भी प्राप्त हो, एवरीथिंग, लेकिन सदैव शेषफल जो होता है वो भाजक से छोटा होता है। ध्यान दीजिएगा, सदैव भाजक से छोटा या कम होगा। अगर 5 से भाग दे रहे हैं तो 5 से कम ही शेष बचेगा, 0 बचे, 1 बचे, 2 बचे, 3, 4, 5 शेष नहीं बचेगा। ठीक, ये हो गया। और जब हम इसको प्रूफ करना होता है कि भाग सही या गलत है, भाग की जांच करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, जितना आएगा उसको इसमें जोड़ देते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, हमें भाज्य प्राप्त होता है। मतलब हम करते क्या प्रक्रिया, हम प्रक्रिया ये करते हैं कि हमें निकालना, अगर भाज्य, अगर हमें भाज्य निकालना है, क्या करते हैं, हम भाजक का गुणा, भाजक गुणे भागफल, भागफल में गुणा करते हैं, उसमें क्या जोड़ देते हैं, प्लस शेषफल जोड़ देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, भाज्य प्राप्त हो जाता है। तो ये एक प्रमेय मिल गया, इसे कहते हैं एल्गोरिथम प्रमेय, एल्गोरिथम, एल्गोरिथम प्रमेय। मतलब यह भाग की जो ये सूत्र, जैसे कहते हैं ना, पहले पढ़ा आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो हमने पढ़ा कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। वैसे इसको भी कहते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल बराबर, ये कौन सा फॉर्मूला है या कौन सा प्रमेय है, इसे कहते हैं एल्गोरिथम। तो कभी कभी सीधा पूछ लेते हैं ये कौन सा प्रमेय है, तो जो कौन सा प्रमेय है, ये एल्गोरिथम का प्रमेय है। ठीक, कभी सीधा पूछ लेंगे कौन सा प्रमेय है, एल्गोरिथम का। कभी कभी क्या देते हैं, कभी कभी क्या, बच्चों को उसी तरह पढ़ाया भी जाता है, जैसे है भाज्य डिवाइडेड क्या हो जाए, भाजक, यही देते हैं। जैसे दे दिया उन्होंने 10/18/9, तो क्या आएगा, 2। तो इससे डायरेक्ट क्या प्राप्त होता है, इससे डायरेक्ट भागफल प्राप्त होता है, इससे डायरेक्ट क्या प्राप्त होता है, भागफल। जब इस प्रकार का प्रश्न देता है भाजक डिवाइडेड बाई भाज्य डिवाइडेड बाई भाजक इक्वल टू मतलब भागफल, तो यह जब प्रश्न देता है उसमें सदैव क्या होता है, भागफल ही प्राप्त होता है, शेषफल नहीं प्राप्त होता। बच्चों को जब शुरुआत की जाती है तो इस तरह से आते हैं क्वेश्चन। फिर भाग का एक रूप और देखने को मिलता है, जैसे अगर दे दिया है ए अनुपात, पहले बता दे, अगर दे दिया है ए बटा बी, यदि ए बटा बी दे दिया है तो ए, अब इसमें इसका मतलब होता है ए भागे बी, अब समझ गए ए भागे बी बराबर क्या होगा, तो भागफल प्राप्त होगा। ठीक, लेकिन जब ए बटा बी जरूरी नहीं हो, भागफल पूरा प्राप्त हो, इसमें शेषफल ही प्राप्त होता है। ठीक, इससे क्या बनती है, भिन्न का निर्माण होता है, और इसे भिन्न भी कहते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे। से बटा बी के रूप में व्यक्त कहते हैं लघुत्तम संख्या, वो भिन्न कहलाती है, लघुत्तम हुआ अधिकतम। फिर एक आता है, यदि हम लिखते हैं ए अनुपात बी, क्या लिखा हमने, ए अनुपात बी, यदि आप ए अनुपात बी लिखते हैं, इसका मतलब होता है ए बटा, जब ए बटा बी होगा इसका मतलब ए डिवाइडेड बाई। तो भाग के ही इतने चरण है जिसको हम ये समझते हैं भाग है, जरूरी हर बार भागफल का चिन्ह दे, कभी कभी भागफल का चिन्ह लुप्त तो होता है, जैसे भिन्न में, जैसे अनुपात में। यहाँ पे भागफल का चिन्ह आपको नहीं दिया, लेकिन इसका मतलब ही होता है कि ये क्या है, ए को बी से डिवाइड करना, और ये तो आप पहले बचपन सीखते आए हैं, भाजक भाज भागफल शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल बराबर भाज। अब इस पे आधारित हम प्रश्न पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग
या इसलिए हमने छोड़ दिया क्योंकि यह सरलीकरण इसको और थोड़ा सा बेहतर पढ़ लेंगे। यहाँ पे हम लोग को क्या पढ़ना है, उतना हम लोग को पढ़ना जितना आपके लिए महत्वपूर्ण हो। हम पढ़े दशमलव, इसलिए दशमलव के आधार पर इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब आगे एक छोटा सा हमने भाग का प्रश्न दिया था, भाग का प्रश्न ये था, शायद आप लोगों ने सॉल्व भी कर लिया होगा। इसको डिवाइड करना था 21 को 2 से, बड़ा सरल था, आप लोग लगाया होगा। बहुत सारे लोगों का 3.5 आया, ठीक, बहुत सारे लोगों को 10.5 आया, लेकिन लगा कैसे ये देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि मेथड जानना जरूरी है। ये हो जाएगा पहले 2 1 का 2 ले गए, 0 बच गया, फिर अगली संख्या उतारेंगे, जैसे संख्या खत्म हो गई उतारते हैं। जब कभी कोई नई संख्या उतारी जाए, जब कभी कोई नई संख्या उतारी जाए और ये किसे क्या कहते हैं, भाजक, भाजक से कम हो, भाजक से कम हो, तो ये एक बार जाएगा नहीं, इसे कितनी बार ले जाएंगे, 0 बार ले जाएंगे। कैसे, अभी जब 2 था तो एक बार ले गए 2 1 का 2, तो 1 2 2 के 2 लिखे, अब 2 से एक बार नहीं जाएगा तो 0 बार ले जाएंगे, फिर 0 × 2 करके कितना गया, 0। फिर घटाते हैं, देखिए भाग में क्या होता है, घटाने की प्रक्रिया, बार बार घटाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, भाग कहलाती है। तो एक में से 0 गया 1, अब 1 शेष बचा, अब क्या बचा, 1 शेष फल बचा, अब भाग आगे ले जाना है, तो यहाँ बढ़ाते हैं दशमलव, यहाँ उड़ता है 0, फिर 2 5 10, ये क्या हो गया, कट गया, तो शेष फल क्या प्राप्त हुआ। इसे और समझने का प्रयास करते हैं इसी भाग को, इसलिए 2 भागे 21 है, 2 1 का 2 ले गए, ये शुद्ध विधि है। अब कोई संख्या उतार ली 1, जब कोई संख्या उतारी जाए, ध्यान दीजिएगा, जब कोई संख्या उतारी जाए और भाजक से छोटा हो तो यहां 0, क्योंकि भाग जाएगा नहीं, अब तो यहां करें 0 बढ़ा देंगे, भाग खत्म, लग करें दशमलव तक ले जाना है तो यहां बढ़ाएंगे दशमलव, ये हो जाएगा 0, तो हो जाएगा 2 10। अब इसे जांच करके देख लीजिए, अब जांच इसका गुणा इसमें करिएगा, शेष तो बचा नहीं है, इतना आना चाहिए, आ जाएगा। अगर आप 10.5 × 2 करेंगे तो 21.0 आ जाएगा, ठीक, समझ में आया, चलिए जो समझ में आएगा उसे आप तुरंत लिखते चलिएगा, ये नहीं हम उसके लिए रुके रहेंगे, और आप लोग भी समझ में आ जाए तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, जो जो समझ में आ जाए, ताकि आपको बाद में लिखने समझने में आसानी हो। पांच भाग्य 2004 ही कर दे, चलिए 20,000 नहीं, 5 भाग्य 2004 नहीं, 20,004 है, चलिए 20,004 डिवाइड करें इसको, जिसका ये दोनों हो जाए फिर ये डिवाइड करें, और दशमलव तो उत्तर ज्ञात करना है। क्या हुआ, जो भी आया बताइए आप लोग, अब बताइए कितना आएगा, चलिए हम सॉल्व करते हैं। मेरा उद्देश्य ये था कि आप सॉल्व करना सीख ले, फिर हम और आगे बढ़े, बस ये मेरा मतलब दशमलव सबका ज्ञान करवाना। देखिए इसको क्या करेंगे, कितना है आपका, 4008, चलिए देखते हैं, 5 4 20 कट गया, 0 हुआ, ऐसे कर दे कट को, ठीक, 20,004 बोल दी बाद में, चलिए ठीक है, जो भी आप लगाए होंगे, फिर क्या उतारा, ये खत्म, अब क्या उतारेंगे, 0 आया, भाग, तो इसे हम 0 बार ले जाएंगे, फिर 0 आया,
इसको कट कुट कर देते, थोड़ा समझने में आपको आसानी होगी। फिर ये भी जीरो खत्म, अगला जीरो उतारे, फिर जीरो मार गया, फिर जीरो, फिर कट गया, ठीक, ये भी जीरो खत्म हो गया, एक जीरो दो जीरो उतर गया, उतारेंगे चार, भाग नहीं जाएगा, भाग यहीं खत्म करना है, खत्म करना तो भी जीरो बढ़ा, नहीं खत्म करना है तो भी क्या करेंगे, यहाँ पे लड्डू बढ़ाएंगे, ये आया चार, फिर दशमलव बढ़ाएंगे, फिर कितना जाएगा, यहाँ उतरेगा लड्डू, ये जाएगा आठ, ये होगा, इसको देखिए शुद्ध विधि है लगाने की, यह लगाने की एकदम शुद्ध विधि है, और इसे लगाने के लिए इस तरह से भी लगा सकते हैं, ये देखिए पांच चौबीस कट गया, एक जीरो उतारे, भाग नहीं जाएगा जो छोटा है, इसका संतरे लड्डू बढ़ा दिए, यह उतारे, यह नहीं जाएगा, संतरे लड्डू बढ़ा दिए, चार उतारे, इसे छोटी भाग नहीं जाएगी, लड्डू बढ़ा दिए, अभी भाग अगले जाने दशमलव बढ़ाए, जीरो हुआ, पांच अठे चालीस, यह तरीका भी है, लेकिन यह शुद्ध विधि है, इस विधि से भी लगा सकते हैं, लेकिन यह विधि आपकी शुद्ध विधि है। जब भागफल एक बार नहीं जाता तो हम जीरो बार ले जाते हैं, ये शुद्ध विधि है। आगे बढ़ा जाए, हाँ समझ में आ गया आप लोग, आगे बढ़े, चलिए जैसे छः भागे दो एक दशमलव छः का भाग दे, इसको डिवाइड करिए, छः भागे दो इक्कीस दशमलव छः, ये दशमलव है, आप पहले ले जाएंगे, ये देखिए छह अठारह, इक्कीस में से अठारह गया तीन, भाग नहीं जाएगा, यहाँ ये दशमलव है, दशमलव उठा कहाँ लाएंगे आप, यहाँ दशमलव उठा के वहां ले जाएंगे, दशमलव उठा के यहाँ ले जाएंगे, उसके बाद उतारेंगे छह, ठीक, ये तो हो गया, समझ में आ गया। अगर यही भाग इस तरह से दे दे, जीरो दशमलव छ भागे दो इक्कीस दशमलव छ, बताइए आप लोग, इसके लिए देखिए यह भी एक अंक पे दशमलव, ये भी एक अंक पे दशमलव है, ये दोनों के अंक पे दशमलव, दोनों खसकाते हैं दाईं तरफ, इसको खसका दिए तो खसक कहाँ चला जाएगा, यहाँ, ये खसक के भी, जब यहाँ चला गया इसका मतलब दशमलव, दशमलव हट गया, अब देखिए दशमलव हट गया, अब छह से भाग दीजिए, इसको भिन्न की विधि से सॉल्व करें, इसी क्वेश्चन में देखिए, जैसे ये था छः दो सौ, रुक जाइए, इक्कीस दशमलव छ बटे अगर छ किए, ऊपर एक अंक दशमलव है काटना है तो एक अंक दशमलव है, नीचे एक लड्डू बढ़ा दीजिए अथवा दस से गुणा कर दीजिए, बढ़ा दिया हमने, अब आसानी से काट दीजिए, छ दहा में साठ, छ से काटेंगे छत्तीस, छत्तीस बटा दस बराबर तीन दशमलव, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है, दशमलव में अगर बटा दस है तो एक अंक दशमलव, सौ है दो, जय लड्डू तैंक दशमलव, एक के बाद जय लड्डू होगा, अंश में खत्म करते समय उतने अंक पे लड्डू चढ़ा देंगे, इसको अगर सॉल्व करना होता इसी क्वेश्चन को तो इसको देखिए सॉल्व करते, ये आपको मिलता दो इक्कीस दशमलव छ बटे जीरो दशमलव, एक अंक इसका दशमलव, एक अंक इसका दशमलव,
एक एक अंक से कट गया, बचा 216 बटे 6। कैंसिल क्यों हुआ ये समझ लिए? हाँ, दोनों एक एक अंक पे इसलिए कैंसिल हुआ। अब इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं पूरा समझ के, 21.6 बटे 0.। अब नीचे वाले दशमलव खत्म करना है एक अंक पे, ऊपर गुड़े, ऊपर वाले खत्म करना है नीचे बटे, दशमलव खत्म, दस दस से खत्म, बचा 216 बटा 6। अब काट लीजिए, 6 से भाग दीजिएगा तो 6 3 18, बचा 3, फिर 6 × 6 = 36, 6 × 6 = 36। समझ मारा आप लोग को? सर अगर ये 2.16 होता वही लगा बताने जा रहे हैं, तो वो खत्म नहीं होता ना? नहीं होगा, देखिए कैसे, देखिए कैसे होगा, तब के तरीके हैं। और ये वाला भी देखिए एक विधि से और लग, लग... अंश का अगर पॉइंट हटाना है, तो हर में 0 बढ़ाते चलेंगे, उतने 0 बढ़ाते चलेंगे बस, या तो उतने 10 से गुणा करते चलेंगे। ऐसे देख लीजिएगा, ये देखिए, जैसे ये है आपका, इन्होंने कहा कि 2.16 × 6 = 0.6। इसमें क्या करेंगे, एक अंक दशमलव काट देंगे, दशमलव यहाँ चला आया, ठीक, यहाँ से उठ के दशमलव, एक एक दशमलव दोनों दो दशमलव क्या करेंगे, दाएं तरफ ले जाएंगे, तभी तो खत्म होगा। दशमलव दाएं तरफ जाएगा तभी खत्म होगा, बाएं तरफ जाएगा नहीं, दाएं तरफ ले जाना है। अभी बचा है एक अंक पे, नीचे बढ़ा देंगे एक लड्डू, तो क्या जाएगा 216 बटा 60। इसी को एक तरीके से और लिख सकते थे, कैसे, अब देखिए 2.16 × 6 = 0.6, इसको लिखेंगे हम 216 बटे 6 × ऊपर के अंक पे 2 × 16 है, नीचे हो जाएगा 100, और नीचे एक अंक पे है ऊपर गुड़े हो जाएगा, लड्डू लड्डू से कट गया तो बचे कितना, 216 बटे 6 × 6 से काटेंगे तो 36 बटे 10 = 3.6 ही प्राप्त होगा। खिचड़ी तो नहीं हो रहा ना इसी में? हाँ, खिचड़ी हो जा रहा है। इसी तरह बड़े जितने भी होते जाएंगे, अगर अंश में जितने अंक पे दशमलव है हर में उतने 0 बढ़ा देंगे, हर में है तो अंश में उतने 0 बढ़ा देंगे, या दशमलव जगह एक लिख देंगे, जितनी संख्या रहेंगे उतना सुनना बढ़ाते चलेंगे, ठीक। जैसे देख लीजिए यही है 0.216 × 0.0006 से डिवाइड करना, तो क्या करेंगे, सॉल्व करके बताइए आप लोग। सीधा से देखिए, पहले दशमलव काटेंगे, ये 3 अंक पे है, ये कितने, 3 2 5 अंक पे, ठीक, 3 अंक का उड़ा दिए तो दशमलव 3 अंक जाएगा, एक अंक 3 अंक खिसक के यहाँ चलाया, और ये भी दशमलव खिसक के यहाँ चलाया, इसका मतलब ऊपर दशमलव खत्म, नीचे दशमलव भी बचा है 2 अंक पे, 2 अंक पे खत्म करना, तो ऊपर 2 0 बढ़ा दीजिए, या तो गुड़े 2 अंक है तो 100, 2 लड्डू। अब क्या बचेगा आपका, 216 × 100 भागे 6 से डिवाइड किए 36, तो हो जाएगा 36 × 100 = 3600।
नहीं यार देखिए, ये तीन अंक दशमलव था और ये पांच अंक पे था, तो ये भी तीन अंक खत्म किए थे, यहाँ जाएगा, यहाँ नहीं मतलब खत्म, और इसको भी तीन अंक ले जाएंगे तो एक दो तीन अंक यहाँ के दशमलव आ गया। अभी भी क्या अंक पे लगा है? जब दो अंक पे लगा तो ऊपर कितना सुनना पड़ेगा, चाहे इसको दो जीरो बढ़ा देते या तो गुड़े सौ लिख दे, सौ क्यों लिखेंगे, दशमलव जगह एक दो अंक है, दो लड्डू। हो गया, आगे बढ़े, चलिए ये हो गया, भाग समझ में आ गया आप लोग को, दसवें भाग समझ में आया? सर ऐसे सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, थोड़ा थोड़ी कल बनता है ना, भी सीखेंगे तो बेसिक है, बिना इसके जाने वहां तक कैसे पूछेंगे, एकदम बेसिक है ये समझ में नहीं आएगा तो फिर इस बात एकदम ही पूछा था क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा उसमें भी दिमाग लगाना था। आगे बढ़ा जाए भाग में अब। हाँ, अगर यही क्वेश्चन जो यहाँ दिया था अगर भाग के मेथड से आएगा तो भी कर लेंगे, भाग मेथड से आएगा ना, क्या चाहिए सॉल्व करना है, भिन्न मेथड सॉल्व करना आसान हो जाता है। चलिए क्वेश्चन आप लोग आगे बढ़े, हम लोग दशमलव में ये भाग का इतना मामला था, ठीक। अब भाग में एक आध क्वेश्चन फंसाते हैं, नहीं तो नहीं भी फंसाते हैं, देख लीजिए, दो दशमलव एक छः गुड़े जीरो दशमलव जीरो सात दो नौ पूरे का बटे जीरो दशमलव जीरो जीरो तीन छः गुणे जीरो दशमलव जीरो नौ, इसको देख लीजिए सॉल्व कैसे होगा, इसको सॉल्व करिए। हम ये नहीं पता क्या है क्या नहीं है, इसको सॉल्व करना है, वर्गन तो आगे पढ़ेंगे हम लोग, उस पर आधारित प्रश्न अलग से पढ़ेंगे, अभी तो बस इसको सॉल्व करिए। देखिए ऊपर भी गुणा है नीचे भी गुणा है, ठीक। इसमें क्या करेंगे, पहले गिन लेंगे ऊपर कितने अंक पे दशमलव है, नीचे तो ऊपर हमने गिना, ऊपर दो दो चार दो छह अंक पे दशमलव है, नीचे क्या अंक पे है, नीचे भी गिनेंगे दो दो चार दो छः, तो छः अंक का दशमलव छः अंक दशमलव से खत्म हो गया, तो यह दशमलव यह दशमलव खत्म। अब बचा क्या आपके पास, दो सौ सोलह गुड़े सात सौ उनतीस बट्टे छत्तीस गुड़े नौ, ठीक। अब ये 36 भी इसको काटेंगे, जिसको आता है ठीक है, नहीं आता है इसके जस्ट बाद हम विभाज्यता का नियम डाल देंगे, फिर उसके बाद इस पैरेलल में इसको आगे बढ़ेंगे, फिर 6 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 6 छा के, फिर 6 से कटा तो ये हो जाएगा 36, फिर 6 से काटेंगे तो ये 6, 9 से काटेंगे कितना आएगा 81, तो फिर क्या बचा 6 गुणे 81, फिर 6 के 6 और 6 48, जी हो गया आपका उत्तर। समझते चलिए और इसको सॉल्व भी करते हुए चलिए साथ साथ, एकदम बेसिक है,
और अगर काटने में दिक्कत होती तो इसके बाद विभाज्यता का नियम डाल देंगे, फिर इसके बाद दशमलव का अगला पार्ट पढ़ाएंगे, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम। हो गया मिटाए। क्वेश्चन और सॉल्व कर दीजिए फिर आगे बढ़े। यही समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आ गया है। सॉल्व करिए। ऊपर है 0.008 गुड़े 0.58 0.0008 मतलब 3 0 फिर 8 फिर 28 गुड़े 28। कुछ नहीं करना, ऊपर 0.3 अंक, 2.5 अंक, नीचे का अंक पे 4 अंक, मतलब 4 अंक काट दीजिए। देखिए 4 अंक 0.4 अंक कट गया, ऊपर 3 अंक कट गया, फिर 1 अंक के दाहिने कर दीजिए बस। हाँ अब देखिए क्या करेंगे, ये अब 8 से कट गया, अब इसका दशमलव हटाना है तो नीचे क्या बढ़ाएंगे, गुड़े 10 या लड्डू बढ़ा दीजिए, ये भी दशमलव खत्म। 28 एक का 28, 28 दुना फिर ये आ जाएगा 2 बटा काटेंगे 1/5। हाँ अगर इसको पॉइंट में बदलना होगा तो 2/10 है, एक अंक में दशमलव 0.2, 0 भी लिख सकते हैं कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने पहले दिन बता दिया था कि 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। इसको समझ लीजिए, ये था भाग दशमलव आधारित। इसको इस तरह से मैंने बताया था कि लगाने में आपको आसानी हो, ये भाग भी लगाएंगे तो काफी कठिन होगा, छोटे छोटे प्रश्न आएंगे, इसमें भी सन्निकट मान पाधारित प्रश्न होता है, हम लोग आप आगे समझेंगे इसको, कम से कम एक दो वीडियो और पढ़ेंगे अभी। ठीक है, चलिए ये समझ लीजिए आप लोग, आप लोग को भी समझ में आ गया होगा शायद। और जो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं 6306344367 पर ज्वाइन सीटेट लिख के व्हाट्सएप कर देंगे, वहाँ से आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। और ऑनलाइन क्लासेस में आपको संपूर्ण वीडियो पूरा क्रमवाइज क्रम मिलेगा और सारे सब्जेक्ट के मिलेंगे। और ज्योति मैम भी स्टार्ट कर दिए, केवल वो ऑनलाइन ही पढ़ाएंगी, ऑफलाइन नहीं पढ़ाएंगी, तो उनके वीडियोज आपको आज या कल से मिलना प्रारंभ हो जाएगा।